Hey guys, this is Mizan. Hi guys, this is Sharman Sehgal. And you're watching us on Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahat and welcome to Movies Adda. Well, Sanjana Bansali कैसे जौहरी हैं जिन्हें हीरे की तलाश करना अच्छे से आता है और फिलहाल मेरे साथ बैठे हैं ऐसे ही दो हीरे जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं. So please welcome the carefree Mr. Mizan Jafri and the very charming Sharman. So charming. Yes, please Jafri. Thank you. मुझे समझ में नहीं पिक्चर समझ में नहीं आ रही क्यों क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर सेलिंग एन एस्पेक्ट ऑफ योर मूवी पीपल व्हाइल डूइंग इंटरव्यूज व्हाइल डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रमोशनल इवेंट्स तो आपकी पिक्चर को गेज नहीं कर पाते हो सब लगे क्योंकि आपको अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ मुझे अपनी खुद की पिक्चर अच्छी नहीं लगी है तो मैं उसको आपको बेच नहीं पाऊँगी. बट सो आई ऑब्वियसली पिक्चर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी डबिंग की बात कर रही हूँ. मैं डबिंग नहीं थी और मैं आस्था का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी उस मोमेंट में क्योंकि जो आस्था जो मेरे लिए थी वो अभी है बट थोड़ी साइड में हो गई. अभी शार्मिन मलाल को प्रमोट कर रही है तो सम लेवल मज़ा आ रहा है मुझे क्योंकि यही जिंदगी जीनी थी मुझे तो मल्टीपल जिंदगी. बट आस्था के लिए आस्था जो मेरे अंदर थी वो थोड़ी अभी बैक सीट ले चुकी है क्योंकि वो ऑनेस्टली मेरे पर्सनैलिटी से बहुत अलग है. अच्छा, जैसे आपने पर्सनैलिटी की बात की सो कैसा कैरेक्टर पोर्ट्रे करना ज़्यादा टफ होता है, जो आप रियल में हो वैसा कैरेक्टर या जो आप नहीं हो वैसा कैरेक्टर? आई थिंक ऑब्वियसली जो आपके कम्फर्ट जोन के एकदम बाहर है वो डिफिकल्ट होगा ज़्यादा. टू प्ले समवन जो मैं ऑलरेडी हूँ वो तो ईजी होगा क्योंकि मुझे आई हैव टू प्ले माई सेल्फ. मुझे मानने का मैं बन पाऊँगी कि नहीं बन पाऊँगी बट आई फील के अगर एक बंदा मैं आपको आलिया भट्ट का एग्जाम्पल देता है. आलिया भट्ट ने शुरुआत में स्टूडेंट ऑफ द ईयर की फिर हाईवे की फिर सोन एंड सपोर्ट उसका करियोग्राफ गया और टू राजी टू एवरीथिंग दैट शी इज डन आफ्टर ओके दैट वाज हर ग्राफ गली बॉय. सो फॉर मी जब आलिया भट्ट हर रोल में 3% आलिया भट्ट का रखती है और अदर 96-97% कैरेक्टर का करती है दैट इज वॉट मेक्स आलिया भट्ट रिलेटेबल टू एवरीबडी टू दी ऑडियंसेज. सो ये जो चीज़ है ना करना बहुत लाइक आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ ही आता जाएगा क्योंकि आपकी पहली पिक्चर में आप ही लोग शार्मिन को आस्था के रूप में ही पहचानेंगे. कितने लोगों ने मुझे आगे बोल के आपके करली बार बहुत अच्छे हैं मैम तो बट एट द एंड ऑफ द डे वो मेरे बाल नहीं है. मैं अपनी कौन सी 5%, 3% हर कैरेक्टर में डिफरेंट लेवल्स होंगे जितना आप अपना गुस्सा सकते हो उस कैरेक्टर. आई थिंक वही एक एक्टर को अपनी इंडिविजुअलिटी देता है वरना वो किरदार तो सिर्फ एक ही बंदे के लिए बना हुआ. अच्छा, फिल्म को लेकर आपको इस बार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है बिकॉज संजय लीला भंसाली का नाम जुड़ा है फिल्म के साथ विदाउट एनी डाउट और आप दोनों ही फिल्मी बैकग्राउंड से हैं थोड़ा बहुत. सो अगर मैं पूछूँ फिल्म के लिए एक्साइटमेंट ज़्यादा है या नर्वसनेस ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है कि यार यू नो इट इज काइंड ऑफ अ रिपोर्ट कार्ड डे की फ्राइडे को रिपोर्ट कार्ड लाइक ऑडियंसेस कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, ऑडियंसेस आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी या ना एक्सेप्ट करेगी क्या आपको ऑडियंसेस 5 जुलाई के बाद. होपफुली बहुत सारी चीज़ें करेगी जैसे कि महाराज जाके देखने जाएंगे वो लोग. सो होपफुली वो सब चीज़ें. अच्छा, जैसे कभी भी कोई फिल्म आती है यू सो एप्रिसिएशन भी एक पार्ट है और उसकी नेगेटिविटी भी बहुत स्प्रेड होती है फिल्म को लेकर, कभी कोई नेगेटिव कॉमेंट आ जाता है. सो अभी तो आपका डेब्यू है सो अगर कभी इन केसेस कोई नेगेटिविटी आती है सो हाउ डू यू डील विद इट, कुछ ऐसे टिप्स मिले घर वालों से या फैमिली से यू नो डोंट जस्ट डोंट रिएक्ट टू इट समथिंग लाइक दैट. आई थिंक वी लिव इन अ सोसाइटी एंड जनरेशन नाउ दैट बचपन से ही हमने नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म को टैकल करना सीख लिया बिकॉज इतना या द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया. सो आई थिंक टुडे इवन अ किड विल नो हाउ टू टैकल नेगेटिविटी एंड क्रिटिसिज्म. सो या आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, आई सी इट, आई टेक इट इन बट आई डोंट रिएक्ट टू इट, आई डोंट वरी अबाउट इट बिकॉज आई नो व्हाट आई हैव टू डू, आई एम
very sorted in the head, I know that. I think negativity and criticism and positivity and compliments are all a part and parcel of life. And just like they have said before, we've signed up for it. We have chosen ourselves to show the world. But at the end, we have to put one thing in our mind, that every person is different. मैंने आपको पहले भी बोला कि आपकी आंखें अलग है, मेरी आंखें अलग है, तो अगर आपको पसंद नहीं आया मुझे इतना भी बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे उससे समझ लेनी चाहिए कि मुझे कहाँ पे गलत कर रहा हूँ। हाँ, उनका पर्सपेक्टिव है और क्या वो पर्सपेक्टिव मेरे ऊपर अप्लाई करता है कि नहीं, क्योंकि अगर अप्लाई करता है मुझे मालूम है कि मुझे मेहनत करके इम्प्रूव कहाँ पर करना है। पर जब लोग बोलते हैं चीज़ें कि जब लोग फिजिकल अपेयरेंस पर कॉमेंट करते हैं तब मुझे थोड़ा लाइक कि काम आने दो, काम पे ज़्यादा क्रिटिसिज्म, जितना भी क्रिटिसिज्म काम पे देना है देना, बट एट द एंड ऑफ द डे हम फिजिकल हम लोग अपने आप को भी मानते हैं, सो आई गेस पहली फिल्म है तो सेट पे कैसा माहौल होता था? आप दोनों आपस में कितने बड़े प्रैंकस्टर्स हो, या इन्होंने कभी प्रैंक किया हो, आपने कोई प्रैंक किया हो इनके ऊपर? नॉट एट ऑल, आई थिंक हम बहुत घुसे हुए थे हमारी पिक्चर में, नहीं हमारी पिक्चर में कैरेक्टर्स एंड बीइंग ऑन सेट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी पहली सेट, हम लोग उस सेट पे खड़े हैं एज एक्टर्स, नॉट एज असिस्टेंट डायरेक्टर्स, तो हमको फिगर आउट करना है कि हम क्या लेके खड़े हैं वहाँ पे, हम किस टाइप के एक्टर्स हैं। फर्स्ट फ्यू टाइम्स थोड़ा बहुत लाइक अजीब लगा था कि जब लोग आपको मैम बुलाते हैं और लोग आपको सर बुलाते हैं, दरवाज़ा खोलने लगता है, थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि हो क्या रहा है। बट एक पॉइंट पे मंगेशकर ने मुझे आके बोला था फोर्थ डे ऑफ शूट पे कि शर्मिन तू बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई है, तू तो मर्सिडीज से निकलती है, तू तब लोग तेरे दरवाज़ा खोलते हैं। मैं रोने लगी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद की समझ नहीं है कि मैं किस टाइप की एक्ट्रेस हूँ। मैंने सिर्फ प्रियंका चोपड़ा, रणवीर सिंह, दीपिका, बहुत बड़े नाम हैं, उनको सिर्फ देते हुए कर सेट पे रहते हुए देखा है, मैं वो नहीं हूँ। मे बी इसलिए उनको वो लगा था। तो अगले दिन मैं रिक्शा लेके आई और मैंने बोला मंगेशकर देखो दरवाजे नहीं हैं, कौन खोलेगा दरवाज़ा? सो बट एट द एंड वो जोक बन गया हमारे बीच में। और फिर एट द एंड ऑफ द डे ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग आपके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आपके को एक्टर्स आपको बताते हैं और फिर आप अपने बारे में समझते हो चीज़ें। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्टली जाते जाते पूछना चाहूँगी यू नो कि भंसाली सर का नाम तो ऑफकोर्स है ही फिल्म के साथ जुड़ा हुआ, इस पर भी उन्होंने अपने आउटपुट्स दिए होंगे, अपने इनपुट्स दिए होंगे, लेकिन उसके अलावा इसके बाद वो सलमान के साथ भी काम करने वाले हैं, सो उसको लेकर आप कुछ कहना चाहोगे, उसके लिए कुछ एक्साइटमेंट है? ऑब्वियसली आई थिंक पूरा देश, पूरी दुनिया एक्साइटेड है, एंड यू नो फाइनली आफ्टर सो मेनी इयर्स सर और सलमान खान साथ में आ रहे हैं, एंड वी आर रियली एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी व्हिच इज गोइंग टू बी अमेजिंग, एंड या आई कांट वेट टू जस्ट सी द film and also go on set and see what they're doing. Yeah, for me it's amazing. I'm a big Salman Khan fan, like it's like oh jaane jana ke time se leke hum dil de chuke sanam tak Salman Khan has just, I look up to that. I want to see what him and Sanjay sir do. Itne saal baad kaam kar rahe hain saath mein, mujhe dekhna hai ki nikal ke kya aata hai, kyunki main I hope ki jo wo Salman sir ka jo romantic hero vibe hai na, wo phir se aise Sanjay sir like us wo bahar aaye, and I hope, I really hope that it like he manages to get jo ओल्ड सलमान खान था ना, जो पुराने टाइम ओ जाने जाना के टाइम पे जो सारे प्रेम्स, जैसे वो लड़कियों, जैसे प्रेम लड़कियों को देखता था ना, हर मैं चाहती थी कि प्रेम मुझे उस तरीके से देखे, सो आई होप वो होता है इंशाल्लाह में। लास्टली जाते जाते ऑडियंस को बता दीजिए इस फिल्म की एक ऐसी USP कि उन्हें क्यों थिएटर्स तक जाना चाहिए फ्रॉम ऑडियंस पर्सपेक्टिव। सो अगर आपके दिल में कोई चाहता है और लाइक जिसकी आप लाइक बहुत, जिसके बिना आप जी नहीं सकते हो, आप प्लीज़ मलाल उनके साथ जाके देखिए, आपको उनकी अहमियत समझ में आएगी, क्योंकि आपके प्यार में कभी मलाल नहीं रह जाना चाहिए। और अगर आपके प्यार में, और अगर आपका कोई यू नो लव इंटरेस्ट है नहीं, और अगर है भी, तो आपको प्यार की अहमियत क्या होती है वो भी पता चल जाएगी। सो प्लीज़ 5 जुलाई को जाके मलाल देखिए। मलाल तो आप देखेंगे ही 5 जुलाई को, लेकिन फिलहाल ये इंटरव्यू कैसा लगा वो भी देखिए और ज़रूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर टॉकिंग टू अस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एज वेल। थैंक यू सो मच।